भाई साहब मैं अब थोड़ा दौड़ रहा हूँ। इसका जो मेन रीज़न ये है कि मेरा जो गेट है समझ ही नहीं आया मुझे। मैं अभी ट्रेन लेके निकल रहा हूँ मुंचन जर्मनी। हाँ निकलूँगा, पूरा नींद आ रही, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। मैं हूँ मनी के रेलवे स्टेशन पे, कोई जुगाड़ नहीं हुआ यहाँ पे, पास में देखो तो देखता हूँ, रस्ते में अगर मिल गया तो रह लूँगा वरना रेलवे स्टेशन पर सो जाऊँगा। गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ श्रीलंका में ही, और आई गेस एंड आई होप कि फाइनली श्रीलंका को मैं बाय बाय मतलब तस्वीर दान करने का समय आ गया है, क्योंकि पिछली बार तो निकला था वापस से मालदीव से घूम के आ गया था, अपनी पिछली वीडियो में देखी होगी ये। अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, चलो अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करते हैं यहाँ से। तो भाई साहब मेरे सामने यहाँ पे श्रीलंका एयरवेज की फ़्लाइट लगी हुई है, बट मैं ये जा रहा हूँ ओमान एयरवेज की फ़्लाइट से। मैंने आपको बताया था कि कतर एयरवेज की फ़्लाइट थी, मुझे मिल गई थी ओमान एयरवेज की फ़्लाइट, अब ओमान एयरवेज की फ़्लाइट में जा रहा हूँ। सो फाइनली एक्चुअली मैं अब कतर पहुँच जाऊँगा, और आई होप कल मैं शारजा पहुँच जाऊँगा, और कल मैं फ़्लाइट ले पाऊँगा ऑस्ट्रिया की, साल्ज़बर्ग की। हालांकि मैं जा रखा हूँ वहाँ पर, बट मैं वहाँ से ट्रांजिट करके पेरिस जाऊँगा। अब थोड़ी थोड़ी मैं बताता हूँ कि जा कहाँ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ जाने की मैक्सिको। अब देखो कितनी लंबा रास्ता होता है और मैं पहुंच भी पाता हूँ नहीं पहुंच पाता हूँ। हालांकि मेरे पास फ्लाइट टिकट है मैक्सिको तक की, कनकून की, तो आई होप पहुंच पाऊँ मैं। बस देख रहा है भाई यहाँ से लोग कुछ मेहनत करते हुए, श्रीलंकन एयरवेज की यहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ी हुई है A330-300, और ऑलमोस्ट सबसे लास्ट पैसेंजर हूँ मैं, मेरे पीछे देखो कोई है ही ना। जनरली मैं एकदम सबसे लास्ट ही बोर्ड करने वाला बंदा होता हूँ, और आज मैं सबसे लास्ट बोर्ड कर रहा हूँ। अब देखता हूँ कैसा रहता है मेरा ओमान एयर के एयरवेज के साथ एक्सपीरियंस। मैं पहली बार फ्लाई कर रहा हूँ ओमान एयर के साथ, हालांकि सोचा था कतर के साथ फ्लाई करूँगा क्योंकि कतर थोड़ी बेटर एयरलाइन लगती है मुझे, लेकिन दुनिया की सिर्फ सेकेंड बेस्ट एयरलाइन कहती है, लाइक फर्स्ट सिंगापुर हो गई, सेकेंड कतर हो गई, थर्ड इमिरेट्स हो गई। तो सोचा था कतर अच्छी एयरलाइन में चढ़ने का मौका मिलेगा, बट चलो कोई नहीं ओमान एयर पर चढ़ लेते हैं। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हालांकि ये ओमान एयरवेज की फ़्लाइट है, एक्चुअली ओमान एयरवेज की एयरक्राफ्ट है, बट फ्लाइट के अंदर भाई सारी जो एमिनिटीज़ हैं वो एक्चुअली कतर एयरवेज की है। तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया हूँ, ये देख रहे हो कतर एयरवेज, और जो फ़्लाइट के बाहर लिखा हुआ है ओमान एयरवेज लिखा हुआ है। कतर एयरवेज के साथ ये मिलता है, इसके अंदर मास्क वगैरह रहता है, सैनिटाइज़र वगैरह रहते हैं, कुछ खास नहीं। और उन्होंने कंबल दे दिया पहले ही साढ़े बेड पर, अच्छा है, मुझे थोड़ी ठंडी भी है तो कंबल मैंने ओढ़ लिया है, कंफर्टेबल बेड है। और भाई पूरी फ़्लाइट फुल है, मतलब मुश्किल से 3-4 सीट खाली होंगे पूरे फ्लाइट में। मैंने पूरी फ़्लाइट देख ली, बट पूरी फ़्लाइट फुल है। एनी में कोई नहीं, ऐसे कुछ एयरक्राफ्ट देखती है, और यहाँ पे कुछ चल रहा है प्रचार कतर एयरवेज का, आई मीन उनका तरीका है जो सेफ्टी रेगुलेशन वगैरह है, ऐसी एयरक्राफ्ट देखती है भाई। बट एनी वे अब चलो कतर पहुँचते हैं, और आपसे कतर पहुँच के बात करते हैं, क्योंकि मुझे विंडो सीट तो मिली नहीं आपको, मैं दिखा भी नहीं सकता बाहर का क्या नज़ारा है, कतर पहुँचने के बाद कैसा दिखता है। तो कतर में आई होप मुझे ठीक ठाक सीट मिले, बट अभी फ़िलहाल तक तो ठीक ठाक सीट नहीं मिली, मतलब पूरी प्लेन खाली है, और इस तरह बैठ के ये जाना पड़ेगा दोहा तक। भाई साहब यहाँ पे बोल रहे हैं वेलकम टू ओमान एयर, सब कुछ दे रखा है कतर एयरवेज का। तो मैं थोड़ा खुद कंफ्यूज हूँ कि ओमान एयरवेज की कतर एयरवेज है, कि जो पूरा जो जब सब कुछ जो जो है ये चीज़ें वो ओमान एयरवेज का, बट केबिन क्रू वगैरह जो भी हैं वो कतर एयरवेज की है, और ये जगह भी जो दिखा रहा है वो ओमान की जगह है, और उन्होंने शुरू शुरू में बोला भी वेलकम टू ओमान एयर। तो मैं खुद कन्फ्यूज हूँ भाई, बट कोई नहीं, चलो फ्लाइट बोर्ड निकलते हैं कतर की तरफ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दोहा। तो भाई साहब दोहा में आ चुका हूँ, हालांकि मेरे पास यहाँ पे उतनी ज़्यादा समय है नहीं कि मुझे अगली फ़्लाइट के लिए दौड़ना पड़ेगा, 1 घंटे बचे हैं मेरे अगली फ़्लाइट के लिए। बट दोहा का भाई साहब एयरपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट है, और वन ऑफ द सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो चीज़ें डिस्टेंस में है, लाइक एक गेट से आपको उसी गेट जाने में टाइम लग जाएगा 15 से 20 मिनट, मतलब इतनी डिस्टेंस है। तो फिर मैं जा रहा हूँ अपनी सी गेट पर, जहाँ पर मेरी फ़्लाइट है, छोटी सी फ़्लाइट होगी, 1.5 घंटे की फ़्लाइट होगी मैक्स, 1 घंटे की फ़्लाइट भी मतलब मुश्किल है, मतलब पास नहीं है यार, अब कार से भी आओगे ना तो 3-4 घंटे में पहुंच जाओगे दोहा से शारजा। ऐसा है यहाँ पे मैं जा रहा है C3 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूँ, चलो हालांकि ज़्यादा दूर नहीं मेरा, पास में ही लगता है। तो जब चलते अपने गेट की तरफ, ये कुछ यहाँ पे ऐसा है भाई, भीड़ आज काफ़ी एयरपोर्ट पे। ये एयरपोर्ट में मैं भाई 2.5 साल के बाद आ रहा हूँ, 2 साल के बाद तकरीबन मान लो,
और जब मैं पहली बार आया था वहाँ पर तो भाई खाली पड़ा हुआ था। अभी इतनी ट्रैफिक है कि मतलब रास्ता जाने के रास्ता नहीं मिल रहा। तो कोविड के दौरान जो ट्रैवल था उसको थोड़ा मिस कर रहा हूँ, जहाँ पर एयरपोर्ट खाली था, एयरप्लेन खाली थे, कंट्रीज खाली थी। आओ आप अकेले टूरिस्ट हो, बट अब वो नहीं है, अब टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। और एक बात, और यहाँ पे मास्क कोई नहीं पूछता मास्क लगाने के लिए। जब पहली बार आया था भाई उन्होंने शील्ड दे दिया था, शील्ड हर जगह आपको लगाना पड़ता था, मास्क तो छोड़ो ही, और हाथ में आपको दस्ताने लगाने पड़ते होंगे वो सब टाइम पे। बट अब ठीक है, मोस्टली यहाँ पे जो फ्लाइट है भाई वो कतर एयरवेज की फ़्लाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक मोस्ट ऑफ द फ्लाइट यहाँ पे कतर एयरवेज की है। और इस एयरपोर्ट को आई थिंक सेकेंड बेस्ट या थर्ड बेस्ट एयरपोर्ट है ये दुनिया का। आई थिंक फर्स्ट जो है वो सिंगापुर एयरपोर्ट है विदाउट डाउट, और जो बेस्ट एयरलाइन है वो सिंगापुर एयरलाइन है विदाउट डाउट। बट आई थिंक थर्ड और ये थर्ड और या फोर्थ है समहाउ लाइक दिस। मैं कहाँ पढ़ूँ, मैं इस वाले एरिया में हूँ जो C3 है। अच्छा मेरा तो आ गया गेट, चलो उतना पास नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा से यहाँ पे आपको एरिया में दिखाता हूँ कि कहाँ पे क्या है। भाई बच्चों के लिए उन्होंने अच्छी जगह बना रखी है, ये देख रहे हो बच्चों के लिए बना रखा है इन्होंने, ऊपर चढ़े बच्चे बोर नहीं होंगे। यहाँ पे एयरपोर्ट काफ़ी ब्यूटीफुल दिखता है, सच में तो काफ़ी ब्यूटीफुल एयरपोर्ट है ये। बट मैं अपना गेट खोज रहा हूँ, C3B है यार मेरा। भाई साहब मैं अब थोड़ा दौड़ रहा हूँ, इसका जो मेन रीज़न ये है कि मेरा जो गेट है समझ ही नहीं आया मुझे, क्योंकि तो गेट का नाम था C31B और यहाँ पे लिखा हुआ है C3 है, तो मुझे लगा C3B होगा बट C31B। तो उन्होंने कहा एक रिमोट गेट है, आपको जाना पड़ेगा आगे। अरे यार फ्लाइट ना मिस हो जाए मेरी इस चक्कर में फिर क्या करूँगा समझ नहीं आ रहा कि C31B मतलब C31 चलो समझता है ये कौन सी एयरलाइन, C31B और कहीं लिखा हुआ भी नहीं है कि C31B का डायरेक्शन इधर है, तो पूछना पड़ेगा आपको अगर इस तरह के गेट मिल जाए आपको तो। बट कन्फ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी। मैं दौड़ रहा हूँ बस C31B पहुँचने के लिए। तो भाई मैंने फाइनली फ़्लाइट बोर्ड कर ली है, एक्चुअली मैं कन्फ्यूज हो गया था, एक्चुअली C31B मैं बोल रहा था बट एक्चुअली C31B था, तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया था रात भर सोया नहीं इसलिए कन्फ्यूज़ हो गया था। कोई बात नहीं, एनीवे फ्लाइट बोर्ड कर ली, थोड़ा दौड़ना पड़ा बट फ्लाइट बोर्ड कर ली। अब मैं ऐसे जा रहा हूँ शारजा, और शारजा से के बाद मैं जाऊँगा दुबई, एंड देन दुबई से मेरी फ़्लाइट है साल्ज़बर्ग ऑस्ट्रिया के लिए, ऑस्ट्रिया से फिर कुछ ट्रेन वगैरह लेके मैं फ्रांस पहुँचूँगा, उसके बाद आगे की जर्नी करेंगे। पहले फ्रांस तक पहुँच जाऊँ सबसे बड़ी बात वही है मेरे लिए। काफ़ी सारी कतर एयरवेज की फ़्लाइट यहाँ पे लगी हुई है, अगर आप देख पा रहे होगे तो बस देख रहे हैं यहाँ से। अब चलो थोड़ा सा मैं एक घंटे के लिए और रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि आज की रात नहीं सो पाया, मतलब पिछली रात नहीं सो पाया था, कल की रात भी नहीं सो पाऊँगा, अगली रात भी नहीं सो पाऊँगा जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचूँगा। तो 3 दिनों की लगातार जर्नी हो जाएगी मेरी। पिछली रात मैं फ्लाइट पे था, आज की रात मैं ट्रेन पे रहूँगा, अगली रात भी मैं फ्लाइट पे नहीं मैं रहूँगा लिस्बन पुर्तगाल में, अगर सब कुछ सही रहा तो। तो भाई मुझे लगा नहीं था कि इस छोटे से फ्लाइट में लाइक 40 मिनट की फ़्लाइट है, इसमें कुछ खाने को भी मिलेगा, फिर अरबिक डेजर्ट है ये। इस व्यू के साथ हम लोग ऑलरेडी क्लाइंब कर चुके हैं और आई थिंक अब स्लोली एंड स्लोली अब नीचे भी जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं, तो अराउंड 35 मिनट की फ़्लाइट है ये। तो भाई लास्ट टाइम मैं मेरी आपसे मुलाकात हुई थी जब मैं फ़्लाइट ले रहा था दोहा के लिए, दोहा से फ़्लाइट लेने के बाद मेरा बैटरी जो भी बोल लो काफ़ी डिस्चार्ज हो गया था, तो चार्ज करने का कहीं मौका नहीं मिला, मेरा पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो गया था, कि फ़ोन मेरा मतलब वीडियोग्राफी भी इसी से करता हूँ, फ़ोन यूज भी इसी से करता हूँ, तो थोड़ा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। उसके बाद मैं आ गया शारजा की फ़्लाइट ली थी, शारजा से आ गया मैं दुबई टैक्सी लेके, एंड दुबई मैंने एक वीज़ा भी लगवा लिया, मतलब मैं 11 बजे शारजा पहुँचा हूँ, 10-10:30 बजे के आसपास एम्बेसी पहुँचा हूँ, अराउंड 10:30-11 तक, और 2 बजे एम्बेसी से निकला हूँ। तो चलो फटाफट मेरी बोर्डिंग गेट ऑलमोस्ट क्लोज होने वाली है। तो गाइज वेलकम टू ऑस्ट्रिया, मैं ऑस्ट्रिया पहुँच चुका हूँ साल्ज़बर्ग, मैंने फ्लाई दुबई की फ़्लाइट ली दुबई से, एंड दुबई से मैं ऑस्ट्रिया पहुँच गया। उसमें मेरी बात नहीं हो पाई थी आपसे और मैं प्लेन में जाके काफ़ी सो गया था भाई, मुझे 3 सीट मिल गई, तो मैं सो के आया हूँ मैं ऑस्ट्रिया तक, ऑलमोस्ट सो ही रहा था पूरी प्लेन जर्नी के दौरान।
और साथ में जब यहाँ पर आया तो मैंने अपना न्यू पासपोर्ट दिया, फिर मैंने अपना ओल्ड पासपोर्ट दिया, तो मत्थर बंदा कंफ्यूज हो गया कि दो पासपोर्ट क्यों दे रहा है। उसको लाके दो बंदा है। फिर मैंने कहा इस पासपोर्ट में वीज़ा है, ओल्ड वाले पासपोर्ट पे। तो उन्होंने स्टाम्प कर दिया, इनका वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड। तो मैं आ चुका हूँ ऑस्ट्रिया में, वेलकम टू ऑस्ट्रिया। एक्चुअली मेरा पहला बार ऑस्ट्रिया नहीं, मैं ऑस्ट्रिया आ चुका हूँ, दो तीन बार ऑस्ट्रिया आ चुका हूँ मैं। तो वेलकम टू द ऑस्ट्रिया। अभी मेरे पास तो लोकल करेंसी नहीं है, बस श्रीलंकन रुपीज़ पड़े हुए हैं अभी तक मेरे पास। तो देखता हूँ क्या करना है श्रीलंकन रुपीज़ का। यार नींद बड़े जोड़ों से आ रही है, हालांकि पूरी फ्लाइट से होता आ रहा हूँ, बट अभी थोड़ा टायर्ड सा हो गया। तो सोच रहा हूँ कि कल की जर्नी को सेव करता हूँ, और अभी मैं जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि अभी हॉस्टल बुक कर लूँ, आज रात भर के लिए हॉस्टल ले लूँ। यार बड़ी महंगी हॉस्टल है, बट लेना तो पड़ेगा यार, क्योंकि अब थोड़ा थक सा रहा हूँ। तो एक हॉस्टल लेके सो जाता हूँ यहीं पर, एंड देन टुमारो अपना मैं जर्नी प्रोसीड करूँगा मैं पेरिस के लिए। पेरिस के लिए बहुत महंगी फ़्लाइट यहाँ से, तो मैं बैड ट्रेन नहीं जाऊँगा, यू ट्रेन यूज करूँगा। तो कल मैं ट्रेन से निकलूंगा, और अभी मैं जा रहा हूँ ट्रेन स्टेशन, क्योंकि मुझे एक सीट रिजर्व करनी होगी स्टुगर्ट। स्टुगर्ट तक मैं जा सकता हूँ बिना रिजर्वेशन के, बट स्टुगर्ट के बाद मुझे रिजर्व करनी होगी सीट लाइक पेरिस तक, पेरिस नॉर्थ तक। तो मैं जा रहा हूँ अभी, सबसे पहले जाऊँगा मैं अब डायरेक्टली यहाँ का जो HBF मतलब रेलवे स्टेशन जाऊँगा, एंड देन वहाँ से मैं निकलूँगा। थोड़ा नींद आ रही है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। अपने रेलवे स्टेशन जाऊँगा, फिर वहाँ से हॉस्टल जाऊंगा, अगर मुझे सीट मिल गई। तो नहीं सीट मिली तो भाई मुझे रात की जर्नी करनी पड़ जाएगी आज, क्योंकि फिर मुझे लोकल लोकल ट्रेन लेके जानी पड़ेगी, फिर मुझे वो फास्ट ट्रेन मिलेगी नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो भाई बस स्टेशन जब बिल्कुल पास था एयरपोर्ट के, बस एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो ये बस स्टेशन है। मैंने टिकट लिया, 2.2 यूरोज का आया है। चलो चलते हैं 2.2 यूरो के टिकट से। आई थिंक जनरली यहाँ पे 1 घंटे के लिए टिकट वैलिड रहता है, तो आई थिंक मैं फिर वहाँ से फिर अपना हॉस्टल भी चले जाऊँगा। तो पहले जाऊँगा मैं अभी स्टेशन, अगर हो सके मैं अपनी सीट रिजर्व करवा पाऊँ तो, क्योंकि वो मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो है कि मुझे अपनी सीट रिजर्व करवानी है। तो भाई फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी ट्रेन लेके निकल रहा हूँ मुंचन जर्मनी, म्यूनिख, अगर मैं नाम से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो। मुझे ये ट्रेन है, 2 घंटे का समय लेगी ये ट्रेन मुझे छोड़ने में। तो मैं आपको ट्रेन दिखा देता हूँ, छोटी सी ट्रेन है, अगर सोचता हूँ तो होते ही ख़त्म हो जाता है ये ट्रेन। तो भाई ये है मेरी ट्रेन जो मुझे जर्मनी लेके जाएगी। टिकट जो टिकट पास होता है, यू रेल पास होता है, उसमें आप कोई भी ट्रेन ले सकते हो, जो भी आपको ट्रेन लेने का मन करे ले सकते हो। आपसे आपको देखना पड़ता है कि आपको सीट रिजर्व करानी पड़ेगी या नहीं करेगी, इसमें तो सीट रिजर्व नहीं करानी पड़ी है, तो मैं लेके जा सकता हूँ ये ट्रेन। चलो चलते हैं इस ट्रेन को लेके। आई थिंक ये जर्मन ट्रेन ही है, बिकॉज DE लिखा हुआ है, तो जर्मन ट्रेन है ये। 2 घंटे में छोड़ देगी मुझे, 11 बजे निकलने का समय है, और मैं पहुँच जाऊँगा अराउंड 1 बजे की रात के आसपास, 1 बजे रात, 1 बजे सुबह बोल लो। चलो इस पे बैठते हैं अब। तो भाई मैं म्यूनिख पहुंच गया हूँ, ये म्यूनिख का रेलवे स्टेशन है। 3-4 ट्रेन हैं मोस्टली, लाइक ये DB ट्रेन है, बुलेट ट्रेन यहाँ पे, 2 ICE कहते हैं, मैंने लिया है काफ़ी बार यहाँ पे। एक्चुअली जर्मनी में आपको रिजर्वेशन वगैरह नहीं कराना पड़ता, तो अगर आपके पास यू रेल पास है तो किसी भी जाकर ट्रेन पर, इस तरह की जाकर ट्रेन में बैठ जाओ जहाँ भी सीट खाली मिले। तो अब मुझे एक्चुअली अपनी सीट रिजर्व करवानी है पेरिस की, देखता हूँ कहाँ पे होगा। तो भाई इस वक्त मैं हूँ म्यूनिख रेलवे स्टेशन पे, कोई जुगाड़ नहीं हुआ यहाँ पे, मैं जा रहा हूँ भाई सोने के लिए। अब कोई जुगाड़ खोजना पड़ेगा, मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। सोच रहा हूँ 2 ऑप्शन है, अभी जाकर पास में हॉस्टल तो देखता हूँ, सस्ते में अगर मिल गया तो रह लूँगा, वरना यहीं पर रेलवे स्टेशन पर सो जाऊँगा। टेंट तो नहीं है मेरे पास, बस मेरे पास वो है क्या कहता है मेरा स्लीपिंग बैग, उसी पर सो जाऊँगा। तो यहाँ से जाता हूँ, पास में ही एक्चुअली 2-3 मिनट का रास्ता है, और सुबह सुबह कल मुझे आने में भी दिक्कत नहीं होगी। अभी यहाँ पे जो टिकट काउंटर वगैरह जिसमें सीट रिजर्व करता हूँ वो भी बंद पड़ा हुआ है, तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। एनीवे गाइस, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वक्त मैं हूँ जर्मनी के रेलवे स्टेशन पे, कुछ कुछ यहाँ पे सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। इंडिया तो बेटर है यार, इंडिया में टिकट काउंटर 24 आवर खुला रहता है, यहाँ तो खुला ही नहीं रहता। एनीवे आज की वीडियो फिलहाल इतना ही, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में पता नहीं आप कहाँ, कतर, श्रीलंका से आप मुझे जर्मनी तक आके देख लिया। अब मैं अगली वीडियो में आपको जर्मनी की ट्रेन दिखाऊंगा, और फिर साथ ही साथ चलेंगे पेरिस, एंड पेरिस से फिर चलेंगे पुर्तगाल, एंड पुर्तगाल से चलेंगे मैक्सिको जो मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है। मैंने इस आज की वीडियो में क्लियर कर दिया।